वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कार्बेंट्स कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि होमोलॉगस सीरीज, जिसपे एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं आखिर होमोलॉगस सीरीज है क्या चीज। तो होमोलॉगस सीरीज की बात करें, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं ये है क्या। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस होती है, इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। जो आगे आने वाला सक्सेसिव मतलब क्या होगा, आने वाला जो ग्रुप है वो, ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग क्लियर आउट करके समझेंगे एग्जांपल के साथ। सबसे पहले क्या कहा गया, जो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है, सिमिलर इसका स्ट्रक्चर होता है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो वेरिएट कर जाती है। ठीक है, याद क्या रखना है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है केमिकल वो स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज वो सिमिलर होती है, और डिफर कैसे करता है, CH2 से इसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, उसके बारे में और पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मीन जितने भी होमोलॉगस सीरीज के एटम्स होते हैं, मान लो एक ग्रुप कौन कौन से होंगे, एल्केन होगा एल्काइन होगा। ठीक है, तो एल्केन्स की बात करें, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स का। तो एल्केन्स का अगर हम आपसे पूछे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको पहले लिखते हैं CnH2n+2। तो चाहे यहाँ पर मीथेन लो, चाहे ब्यूटेन लो और चाहे ऑक्टेन लो, इनका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो होगा वो यहीं से निकल के आएगा। यही कहने का मतलब है, जो होमोलॉगस सीरीज होती है वो एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट की जाती है। अगर एल्कीन हुआ तो CnH2n होगा, एल्काइन हुआ तो CnH2n-2 होगा। मीन्स इनका जो जनरल फॉर्मूला है ना वो सेम होगा, किसका, होमोलॉगस सीरीज का। ठीक है, अगला क्या है, टू एडसेंट होमोलॉगस सीरीज इज डिफर्ड बाय वन कार्बन टू हाइड्रोजन। वही चीज यहाँ पे बोला गया था, CH2 मतलब एक कार्बन दो हाइड्रोजन से एक आने वाली सीरीज डिफर करेगी। ठीक है, इसको एग्जांपल समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा एल्केन्स के लिए CnH2n+2। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH4 होगा। ठीक है, 1 यहाँ पर जाएगा, 2 होगा, 2+2 4, CH4 हो गया। ठीक है, एक आने वाली सीरीज बना, मतलब n इक्वल्स टू सक्सेसिव सीरीज जिसको बोलते हैं, यहाँ पे वर्ड अभी यूज किया गया था ना, हाँ देखो सक्सेसिव कंपाउंड मतलब इसके आगे आने वाला कंपाउंड। मीन्स n इक्वल्स टू पर क्या हो जाएगा, ये 2 रखो यहाँ पर, ये 2 हो गया, 2 से कितना होता है 4, सबको टेबल लगा देना, +2 कितना हो जाएगा C2H6। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम होगा मीथेन। खैर नाम तो बात करने वाले, फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा इथेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो CH4 लिखा है और CH2, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, जरा माइनस कर दो, C2H6 में माइनस कर दो CH4, क्या आ रहा है, देखो दोनों को माइनस करो, एक कार्बन बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, दो हाइड्रोजन बच रहा है। कितने का डिफरेंस आया, CH2 का डिफरेंस आया, मतलब कि एक कार्बन का दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा जब कभी भी दो सक्सेसिव होमोलॉगस सीरीज बनेंगी, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो और चाहे वो एल्काइन हो। ठीक है, हम सबकी बात कर रहे हैं, एल्केन मतलब डबल सिंगल बॉन्ड हुआ, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला हुआ, या एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला हुआ, तीनों में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और हम बोल सकते हैं, हमने अगले पॉइंट नोट किया है, द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 14U। यहां पे क्या कह रहा है, जो डिफरेंस आएगा कार्बन और हाइड्रोजन, यहां बोला गया है दो हाइड्रोजन और एक कार्बन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अगर उसका मॉलिक्यूलर मास देखें तो वो कितना आएगा, 14U का आएगा। अच्छा, इसको समझ भी लेते हैं हम लोग, CH2 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो कार्बन का मास कितना हो गया, 12 हो गया, हाइड्रोजन का हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो मतलब एक हाइड्रोजन का 1 हो गया, दो हाइड्रोजन 2 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर, 14U के बराबर आ गया। ठीक है, तो मास कितना आ गया, 14U। चाहो तो हम लोग बोले एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, या फिर बोल सकते हैं 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस आएगा दो होमोलॉगस सीरीज, चाहे वो एल्केन की हो, एल्कीन की हो या फिर एल्काइन की हो। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, ऑल द कंपाउंड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो कंपाउंड होगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाएगी। क्यों, जरा सोचो, यहाँ पर साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ने से मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होगा, साइज होगा, फिजिकल वेरिएशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिजिकल वेरिएशन चेंज जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगी और केमिकल प्रॉपर्टीज तो वही रहेगी, क्योंकि मान लो एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, डबल तो नहीं जाना है, एल्कीन है तो डबल ही रहेगा, एल्काइन ट्रिपल ही रहेगा, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर रहेगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरिएट कर जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा होमोलॉगस सीरीज। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होमोलॉगस सीरीज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में किस तरीके से होती है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन्स के लिए। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज हम लोग किसके लिए पहले पढ़ने वाले हैं, एल्केन्स के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एल्केन्स की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+ जनरल फॉर्मूला। ठीक है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो एक एक कंडीशन हम लोग, अगर हम लोग ने यहां पर रखा n इक्वल्स टू 1 तो क्या हो जाएगा, CH4,
एन इक्वल्स टू रखा तो क्या हो जाएगा, सी टू एच सिक्स हो जाएगा। ठीक है, हमने भी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था, दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे ठीक है तो कितना आएगा, सी एच टू का डिफरेंस आएगा। ठीक है, कोई हायर कंपाउंड लेते हैं उसमें भी चेक कर लेते हैं क्या एवोमोला अगर सीरीज एल्केन से तब भी फॉलो हो रही है। मान लो ले एन इक्वल्स टू फोर तो क्या हो जाएगा, सी फोर हो जाएगा, फोर टू जा एट प्लस टू यहाँ पे हो जाएगा एच टेन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे लेते हैं एन इक्वल्स टू फाइव, तो यहाँ पर लगातार सक्सेसिव सीरीज लेनी है। ठीक है, फोर लिया तो फिर फाइव लेनी है, अगर आपने सेवन लिया तो एट लेना है। ठीक है, एक के बाद एक वाली सीरीज, इसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। यहाँ पे ले लेंगे सी फाइव हो जाएगा और एच ट्वेल्व हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस किसका आ रहा है, देखो इन दोनों में एक कार्बन, यहाँ पे चार कार्बन, यहाँ पर पांच कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस आ गया, दस हाइड्रोजन है, यहाँ पर बारह हाइड्रोजन है, तो दो यहाँ पर हाइड्रोजन का भी डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, सी एच टू, तो मीन्स होमोलॉगस सीरीज इस तरीके से एल्केन्स में भी वर्क करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं एल्कीन्स में क्या केस होता है, एल्कीन्स और एल्काइन्स में। ठीक है, जनरल फॉर्मूला लिख के हम लोग चेकआउट करेंगे यहाँ पर एल्कीन्स में। सबसे पहले देखते हैं एल्कीन्स में कैसे होगा, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एन इक्वल टू वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एच टू जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, इसके बारे में लोग बात भी नहीं करते। एन इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे हम लोग एन इक्वल टू, क्योंकि डबल बॉन्ड बनने के लिए कम से कम दो कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, एन इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी टू एच फोर, और एन इक्वल थ्री क्या हो जाएगा, सी थ्री एच सिक्स हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अब दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर एक कार्बन का, यहाँ पर दो हाइड्रोजन का, मीन्स यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि सी एच टू का डिफरेंस एल्कीन के केस में भी आ रहा है। ठीक है, एक हायर कोई सीरीज ले लेते हैं, मालूम ले लिया एन इक्वल टू सिक्स, कितना हो जाएगा, सी सिक्स हो जाएगा, एच ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से, चलो एन इक्वल सेवन ले लेना अगली सक्सेसिव सीरीज, सी सेवन एच फोर्टीन। अब यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन यहाँ पर भी डिफर कर रहा है। ठीक है, मीन्स 14U का यहाँ पर भी डिफरेंस है और 14U का यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एल्काइन्स के लिए, एल्काइन्स के लिए बात करने वाले। ठीक है, एल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखो, सी एन एच टू एन माइनस टू होता है। ठीक है, अभी हमने बताया भी था इसके बारे में। चलो अब यहाँ पे अगर हम लोग एन इक्वल टू वन रखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, एन इक्वल टू से पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टू 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 फोर और माइनस टू कितना हो जाएगा, सी टू एच टू एच टू, थ्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी थ्री, और थ्री टू सिक्स, सिक्स माइनस टू फोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया फोर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस किसका आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, देखो सी एच टू का डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा है। एक हायर सीरीज ले लेते हैं हम लोग, एन इक्वल टू सेवन ले लिए और एन इक्वल टू एट ले लेते हैं। ठीक है, एन इक्वल टू सेवन पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी सेवन हो जाएगा, सी सेवन हो जाएगा और सेवन जो फोर्टीन माइनस टू ट्वेल्व, एच ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बनेगा हमारा, सी एट बनेगा, एच फोर्टीन बनेगा। डिफरेंस देखो कितना आएगा, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। मतलब हमने किसमें देख लिया, एल्केन्स में भी देखा, एल्केन्स में भी और एल्काइन्स में। अगर हम आप लोग से क्वेश्चन पूछे क्या ये फंक्शनल ग्रुप वाले एलिमेंट में भी वेरी करता है, फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब यहाँ पर जैसे हो गया, मान लो कोई हमारे पास कंपाउंड हो गया अल्कोहल का, ठीक है, ओएच लगा होता है अल्कोहल में, एल्डिहाइड का कोई कंपाउंड हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड का हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, कीटोन का हो गया, क्या इन सब में भी लगता है होमोलॉगस सीरीज, तो बिल्कुल लगता है, चाहे वो अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कीटोन हो, कोई भी ग्रुप हो, एमाइड हो, अमाइन हो, ईस्टर हो, ईथर हो, कोई भी फर्स्ट ग्रुप लग रहा है, कंपाउंड बना हुआ है, तो वहां पर जो सक्सेसिव सीरीज होगी वो होमोलॉगस सीरीज ही कहलाएगी। ठीक है, वहां पर भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इन सब में भी होमोलॉगस सीरीज लगती है। ठीक है, आज के लेसन हम लोगों ने क्या पढ़ा, होमोलॉगस सीरीज पढ़ा, और उसके टाइप्स देखे कि अलग अलग किस फॉर्म में, मीन्स एल्केन्स में कैसे वर्क करता है, एल्केन्स में कैसे होता है, एल्काइन्स होता है, और देखा हम लोग किस तरीके से अलग अलग कंपाउंड में भी ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड हो, जो भी हो, ठीक है, सब में होमोलॉगस सीरीज वेरी करता है। ठीक है,